चलिए आज देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। देखिए इलेवेंथ का रिपीट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इम्पटी या वाइड भी बोलते हैं या नल रिलेशन, ठीक है। इम्पटी रिलेशन बोलिए या वाइड रिलेशन बोलिए या नल रिलेशन बोलिए, ठीक है। चलिए ये क्या होता है देखिए, सबसे पहले इसको समझाएं इम्पटी रिलेशन क्या होता है। सपोज कीजिए एक बॉयज स्कूल है, ठीक है। सीट ए जो है बॉयज स्कूल है, मतलब बॉयज स्कूल में जितने भी बॉयज है उसको एक सेट मान लेना है बॉयज स्कूल, ठीक है। और इस पर एक रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। समझिए मेरे कहने का मतलब, ये जो रिलेशन है सेट ए पर डिफाइंड है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए से ए में डिफाइंड है, तो ये सेट ए जो है इसमें तो केवल बॉयज है, ठीक है। उस केवल बॉयज स्कूल है इसका मतलब क्या, उसमें केवल बॉयज होंगे, तो सेट ऑफ बॉयज है केवल, इसमें क्या है सेट ऑफ बॉयज सेट ए में, तो केवल बॉयज है तो उसका एक रिलेशन डिफाइंड कर रहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो बताओ बॉयज की सेट पर रिलेशन डिफाइंड हुआ ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब फर्स्ट बॉय इज सिस्टर ऑफ सेकेंड बॉय, ठीक है। फर्स्ट बॉय है मतलब दो बॉय के बीच का रिलेशन सिस्टर का होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसमें से कोई दो बॉयज के बीच जो रिलेशन होगा वो सिस्टर का नहीं होगा, यानी इस दिए हुए कंडीशन को इसमें से कोई भी दो बॉय सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें से कोई भी दो मतलब बॉय इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इम्पटी रह जाएगा, ये इम्पटी रह जाएगा, इसके बीच इसमें से कोई भी दो लड़का इसमें नहीं होगा, ठीक है, यानी इम्पटी रह जाएगा। तो इम्पटी रह जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर सेट ऑफ बॉयज पर केवल बॉयज पर रिलेशन डिफाइंड है और बोला जाए कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो बॉयज पर डिफाइंड है तो दो बॉयज के बीच का रिलेशन जो है सिस्टर का नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो रिलेशन में कोई कोई भी दो बॉयज उसमें से नहीं आएगा, यानी कोई भी दो एलिमेंट इसमें से इसमें नहीं आएगा, यानी खाली रह जाएगा। जब खाली रह जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या इम्पटी रिलेशन, ठीक है। देखिए अब एक एग्जाम्पल है, जनरल लाइफ से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए एक सेट ए है, ठीक है, पूरे ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, पूरे ह्यूमन बींग को एक सेट मान लेना है, ठीक है, पूरे ह्यूमन बींग को एक सेट मान लेना है और इस पर एक रिलेशन डिफाइंड कर रहा है, रिलेशन ऑर्डर पे ए बी सच डेट the weight difference of two persons, okay, the weight difference of two persons A and B is greater than 2000 kg। समझिएगा ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सेट ए है ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग को एक सेट मान लिया है, ठीक है। ये सेट ए जो है ह्यूमन बींग मतलब पूरे जितने भी ह्यूमन है उनको एक सेट मान लिया, पूरे मतलब इस अर्थ पर जितने ह्यूमन है उनको एक सेट मान लिया है। और इस सेट पर देखिए एक रिलेशन डिफाइंड किया है कि द वेट डिफरेंस ऑफ टू पर्सन, यानी ए और बी दो पर्सन है, ए एंड बी, द वेट डिफरेंस ऑफ टू पर्सन इज ग्रेटर देन 2000 kg। अच्छा बताइए आप लोग, ये सेट ह्यूमन बींग पर ये रिलेशन डिफाइंड है, ह्यूमन बींग पर रिलेशन डिफाइंड है, और इसमें जो कंडीशन दिया है वो दिया है डिवेट डिफरेंस ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 2000 kg, तो ए और बी क्या है दो पर्सन है, इसी में से ना लिया गया है सेट ए ह्यूमन बींग्स है, जहाँ ए और बी कहाँ से लिया जा रहा है, इसी में से लिया जा रहा है, ठीक है। तो ए और बी दो पर्सन है, तो दो पर्सन के बीच के वेट का डिफरेंस कभी 2000 kg से ज्यादा होगा, यानी इसमें से कोई भी दो ह्यूमन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर डिवेट डिफरेंस ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 2000 kg, ठीक है, ये मतलब सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, बिकॉज इस अर्थ पर किसी भी दो पर्सन के वेट के डिफरेंस 2000 kg से ज्यादा हो ही नहीं सकता,
ठीक है, 2000 के से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसमें दो ह्यूमन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये रिलेशन इम्पटी रह जाएगा, यानी इसमें कोई भी दो पर्सन नहीं आ गया, यानी इम्पटी रह गया, तो इसको इम्पटी रिलेशन बोलेंगे, चाहे वॉइड रिलेशन बोलिए या देखिए क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को कि जब रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं है, रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को अगर कोई भी एलिमेंट जो सेट है उससे सेटिस्फाई नहीं करे, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करे, इसका मतलब वो रिलेशन इम्पटी रह जाएगा। जब इम्पटी रह जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। ठीक है, देखिए ये दो एग्जाम्पल बता, आप देखिए ना, दो पर्सन किसी को भी रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ए और बी दो पर्सन है, तो द वेट डिफरेंस ऑफ टू पर्सन एंड बी इज ग्रेटर देन 2000 केजी, क्या सही है? नहीं, किसी भी दो पर्सन के वेट का डिफरेंस 2000 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता है। 2000 यानी इसमें कोई दो पर्सन आएगा ही नहीं, कोई भी दो ह्यूमन नहीं आएगा इसमें कि जिसका वेट का डिफरेंस 2000 केजी से ज्यादा हो। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वेट का डिफरेंस 2000 केजी से ज्यादा नहीं होगा तो ये रिलेशन इम्पटी रह जाएगा, जब इम्पटी रह जाएगा यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये इम्पटी रिलेशन होगा। ठीक है, देखिए आप लोग बोलेंगे सर मैथमेटिकल एग्जांपल, सर इसमें नंबर है तो सेट अगर नंबर पर डिफाइंड होता, ठीक है, उस पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इम्पटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन समझिए। ठीक है, ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक मैथमेटिकल एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक मैथमेटिकल एग्जांपल देखिए, हम तो दो एग्जांपल जनरल लाइफ से रिलेटेड जो होता है वो देख लिए। ठीक है, बॉयज जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखा था कि बॉयज स्कूल पर डिफाइंड है तो दो बॉयज के बीच का रिलेशन सिस्टर का नहीं हो सकता है, इसका मतलब इम्पटी रिलेशन। ठीक है, इस अर्थ पर किसी भी दो पर्सन के वेट का डिफरेंस 2000 केजी से ज्यादा नहीं होगा, ये भी इम्पटी रिलेशन है, बताया था अभी। देखिए एग्जांपल मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल इसको क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लें, लेट सेट ए इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है सपोज कीजिए 1 2 3, ठीक है, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए एंड आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा रिलेशन हम देखते हैं। ठीक है, ये रिलेशन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन के फॉर्म में, ये रिलेशन चेक करना है हमको कि इम्पटी रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए एक सिटी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, इस सिटी में एलिमेंट है 1 2 3, यानी तीन एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लीजिए, और आर ये रिलेशन कैपिटल आर ये रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, जो कैपिटल आर है एक रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइंड है, एंड कैपिटल आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल। इसका मीनिंग समझिएगा, ये कैपिटल आर जो है सेट ए पर डिफाइंड है, सेट ए पर डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, एक ही सेट है ए पर डिफाइंड है, यानी ए से ए में डिफाइंड है, ये जो रिलेशन है आर वो ए से ए में डिफाइंड है और यहाँ दिया है ऑर्डर पेयर ए बी। ठीक है, हम रिलेशन पे एग्जांपल बताते तो उसमें बताते जब एक ही सेट दिया हो, रिलेशन एक ही सेट पर डिफाइंड हो जैसे ए पर डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए से ए में डिफाइंड है, तो ए से ए में डिफाइंड है तो यहाँ पर दिया हुआ ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ए माइनस बी का मॉड। तो देखिए ये ऑर्डर पेयर ए बी क्या है, ठीक है, तो ये ए क्या है, तो सेट ए में से एक एलिमेंट है, बी क्या है, सेट ए में से ही एक एलिमेंट है, तो ये ए और बी बिलोंग्स टू ए, इसका मीनिंग हुआ कि ए और बी का जो वैल्यू है सेट ए में से लिया गया है। ठीक है, ए और बी का वैल्यू क्या, सेट ए में से लिया गया है, तो ए और बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 में से कोई हो सकता है। ठीक है, ए का भी वैल्यू ए 1 2 3 में से कोई हो सकता है,
बी का भी वैल्यू 1, 2, 3 में से कोई हो सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तब देखिए अब क्या हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू 1, 2, 3 में से कोई हो सकता है, बी का वैल्यू 1, 2, 3 में से कोई हो सकता है। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले ये रिलेशन जो आ रही है, रिलेशन डिफाइंड एंड सेट ए, सेट ए पर डिफाइंड है, तो चलिए हम ध्यान से समझते हैं, सेट ए पर डिफाइंड है, ठीक है। तो इस यानी सेट ए पर डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हो, इस ए में डिफाइंड है, तो सबसे पहले जिससे जिसमें डिफाइंड होता है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए। तो देखिए सबसे पहले एक क्रॉस ए लिखिएगा, तो एक क्रॉस ए लिखने के लिए आप लोग को पता है इस वन को इन तीनों के साथ में लिखेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ठीक है, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3। देखिए तो सबसे पहले देखिए ये कैपिटल आर इज रिलेशन डिफाइंड एंड सेट है, कैपिटल आर इज रिलेशन डिफाइंड एंड सेट है, जो कैपिटल आर है वो सेट ए पर डिफाइंड एक रिलेशन है, इसका मतलब वो ए से ए में डिफाइंड है, जब ए से ए में डिफाइंड है तो सबसे पहले हम लोग एक क्रॉस ए लिखेंगे, तो एक क्रॉस ए लिख लिए, ठीक है, जब एक क्रॉस ए लिख लिए तो अब देखिए, अब सबसे पहले इसमें से कोई भी देख, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को ये बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट को भी, फर्स्ट एलिमेंट को ये, सेकंड एलिमेंट को भी, फर्स्ट एलिमेंट को ये, सेकंड एलिमेंट को भी, फर्स्ट एलिमेंट को ये, सेकंड एलिमेंट को भी, देखिए सब में इस ऑर्डर पर फर्स्ट एलिमेंट ए होता है, सेकंड एलिमेंट भी होता है, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट भी। अब देखिए इसमें दिया हुआ कंडीशन क्या है, रिलेशन में कंडीशन ये दिया हुआ, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ये माइनस बी का मॉड है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इसको सेटिस्फाई कराते हैं, 1, 1 रखिए, पहले यहाँ ए के जहाँ पर 1, बी के जहाँ पर 1, 1, 1 रखते हैं, तो 1 - 1 बताइए कितना जाएगा, 1 - 1 0, तो 0 क्या 10 से बड़ा है, क्या लिख सकते हैं 0 > 10 होगा, नहीं 0 10 से 12 नहीं होगा, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई नहीं किया। वैसे ही 1 - 2 कीजिए, तो 1 - 2 कीजिएगा, तो 1 - 2 यानी -1, तो -1 का मॉड +1, क्या 1 10 से 12 है, क्या 1 1 > 10 है, नहीं 1 10 से 12, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। वैसे ही 1 3 करके देखिए, तो 1 - 3 कीजिएगा, 1 - 3 - 2, -2 का मॉड क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो क्या 2 10 से 12 है, नहीं 2 भी 10 से 12 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 है, तो 2 - 1 कीजिए, तो 2 - 1 कीजिएगा तो कितना जाएगा 1, तो क्या 1 10 से 12 है, नहीं, ये भी कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, ध्यान लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर्स, देयर इज नो एनी ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस ए, ठीक है, देर इज नो एनी ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस ए विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो सबसे पहले यानी क्या समझिएगा, देर हम यहाँ क्या लिख दिए, कोई भी ऑर्डर पेयर उस दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यही लिख देते हैं, देर इज नो एनी ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस ए विच सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन कंडीशन ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, देयर फोर आर डज नॉट कंटेन कंटेन, ठीक है, देयर फोर आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, therefore r equal to क्या हो जाएगा empty, ठीक है, 5, यानी देखिए r में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है, जब r में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इसका मतलब क्या, वो खाली रह जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है, समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो हम लिख दिए वहाँ पर देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस ए विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी कम आउट ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देयरफॉर r डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, देयरफॉर r इक्वल टू empty, यानी केवल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए उसी को क्या लिखते हैं 5, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर आर इज एम्प्टी रिलेशन, देयरफॉर आर इज एम्प्टी रिलेशन, यानी ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आर एम्प्टी रिलेशन हो गया, देखिए सब एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि नहीं, इसमें क्या करना है, तो ए माइनस बी का मोड है ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो सबसे पहले देखा जाता है कि रिलेशन किस से किस में डिफाइंड है, तो ये जो रिलेशन है सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है, तो सबसे पहले एक क्रॉस ए लिखे, तो एक क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर पेयर अगर इसको सेटिस्फाई किया तो एम्प्टी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है इसमें सेटिस्फाई रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को, तो इसका मतलब एम्प्टी रह जाएगा, यानी खाली रह जाएगा, तो देखिए
यहाँ लिख दिया देयर इज नो एनी अदर पर्सन इन ए क्रॉस व्हिच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन ए माइनस बी कम नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यानी खाली रह गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंपटी रिलेशन। यानी पहला रिलेशन हम लोग पढ़ लिए इंपटी रिलेशन। ठीक है अब एक बात ध्यान में रखिए ठीक है इंपटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। इंपटी रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट रिलेशन। ठीक है यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट देखते हैं इंपटी रिलेशन। ठीक है अब देखना हम लोग को यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखना है क्या सेकंड नंबर यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ठीक है इस पर भी हम लोग सबसे पहले जनरल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। ठीक है उसके बाद मैथमेटिकल एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लीजिए एक सिटी है। अगर सिटी है ये बॉयज स्कूल है। ठीक है बॉयज सेट ऑफ बॉयज यानी बॉयज स्कूल को एक सेट मान लेना है। बॉयज स्कूल को एक सेट मान लेना है और इस पर एक रिलेशन डिफाइंड किए ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी ब्रदर ऑफ बी। तो देखिए यानी बॉयज स्कूल पर डिफाइंड है और उस पर रिलेशन क्या डिफाइंड हुआ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी और ए और बी क्या है सेट ए से ही है यानी ये दोनों बॉयज ही है ए और बी दोनों बॉयज ही है तो ए इज ब्रदर ऑफ बी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हाँ करेगा। यानी केवल बॉयज स्कूल है तो उस पर रिलेशन डिफाइंड हुआ है कि इज ब्रदर ऑफ बी यानी दो लड़के के बीच का जो रिलेशन है वो ब्रदर का हो सकता है तो एकदम 100% हो सकता है। ठीक है इसका मतलब ये पूरा इसमें से सेटिस्फाई कर जाएगा दो लड़के के बीच का रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई। यहाँ सिस्टर लिख देते इसका मतलब कि दो बॉयज के बीच में रिलेशन सिस्टर का नहीं हो सकता है ब्रदर का हो जाएगा यानी 100% कि कोई भी दो लड़का इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। दो लड़के के बीच का रिलेशन ब्रदर का ही होगा सिस्टर का थोड़ी ना होगा। इसका मतलब ये दो लड़के के बीच का रिलेशन जो है ब्रदर का हो जाएगा तो सब सेटिस्फाई कर जाएगा यानी इसमें से सब सभी स्टूडेंट्स का पेयर सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका पूरा एलिमेंट इसमें आ जाएगा एक ए पर डिफाइंड है यानी ए से ए में डिफाइंड है तो एक क्रॉस ए का टोटल एलिमेंट इसमें आ जाएगा। ठीक है एक बार ध्यान समझिए। ठीक है तो ये क्लियर हो गया यानी जब सब सेटिस्फाई कर जाए तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है अब थोड़ा सा देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं उसके बाद हम लोग समझ लेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए a relation defined on set A is called universal relation if each element of set A, each element of set A is related, each element of set A is related, ठीक है, if each element of set A is related, ठीक है, to every element मतलब सेट का सभी एलिमेंट सेट के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। मतलब सेट का जो ईच एलिमेंट है वो सिटी के सभी एलिमेंट्स अगर रिलेटेड हो जाए ईच एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर एग्जांपल मैथमेटिकल एग्जांपल। देखिए एक सिटी है इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है एक सिटी है एक एलिमेंट है लेट सिटी इक्वल टू इस पर रिलेशन कैपिटल आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए पर डिपेंड कैपिटल आर ये रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एंड आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए कॉमा बी
बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए, आर ये रिलेशन डिफाइंड है सिटी, सिटी पर डिफाइंड है, तो सिटी पर डिफाइंड है, केवल सिटी पर डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए से ई में डिफाइंड है, तो ई से ई में डिफाइंड है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई क्रॉस ए लिखेंगे, तो ई क्रॉस ए लिखे, तो ई क्रॉस ए कैसे लिखते हैं, तो देखिए वन है तो वन को इन तीनों के साथ में लिखेंगे, वन वन, वन टू, वन थ्री हो गया, फिर टू को इन तीनों के साथ में, तो टू वन, टू टू, टू थ्री, ठीक है, फिर थ्री को तीनों के साथ में, तो थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री लिख दिए, तो वन को इन तीनों के साथ में लिख लिया, वन 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 टू वन थ्री, फिर टू को टू वन, टू टू, टू थ्री, फिर थ्री, थ्री को इन तीनों के साथ में, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री लिख लिए, तो ए क्रॉस ए लिख लिए। अब ए क्रॉस ए लिख लिए तो मेरे कहने का भी नहीं है, जब ए क्रॉस ए लिख लिए तो अब देखिए इसमें से, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, ए सेकंड एलिमेंट भी, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट भी, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट भी, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट भी, तो इसमें देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट ए बोल रहे हैं, सेकंड एलिमेंट बी बोल रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट बी, तो इसमें से देखिए कोई भी ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसमें से ऑर्डर पेयर उसमें जाएंगे, ऑर्डर पेयर नहीं जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या है, दिया हुआ कंडीशन है ए माइनस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलिए ए के जगह पर वन रखते हैं, अब बी के जगह पर वन रखते हैं, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, हाँ जीरो हो जाएगा, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, हाँ एकदम लिख सकते हैं, ये सही है, ठीक है, वन माइनस वन जीरो हो गया, था जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा, वन माइनस टू, तो वन माइनस टू का मॉड, वन माइनस टू का मॉड, तो वन माइनस टू यानी माइनस वन का मॉड प्लस वन, तो क्या वन जीरो से भरा नहीं है, एकदम है, यानी वन भी जीरो से भरा है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई, सब सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए वन माइनस थ्री कीजिए, तो वन माइनस थ्री माइनस टू का मॉड प्लस टू हो जाएगा, तो टू भी जीरो से भरा है, सब सेटिस्फाई करेगा, इसमें ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जो सेटिस्फाई नहीं करे, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला देख लीजिए, थ्री थ्री वाला कराना है, तो थ्री माइनस थ्री का मॉड जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा जा सकता है, ठीक है, ये सब सेटिस्फाई, यानी सब इसमें से सभी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, सभी के ऑर्डर पेयर के डिफरेंस का मॉड, सभी ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है उसके डिफरेंस का मॉड जो है जीरो से बारह ही होगा, जीरो होगा या जीरो से बारह होगा, यानी सब ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, जब सब सेटिस्फाई कर जा रहा है तो इसमें सभी एलिमेंट इसमें चला जाएगा, ये सभी ऑर्डर पेयर उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यानी हम लिखेंगे हियर ऑल ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए satisfy the given condition a minus b ka mod greater than equal to zero. Here all other pairs of a cross a satisfy the given condition a minus b ka mod greater than equal to zero, मतलब a minus b ka mod greater than equal to zero को satisfy कर रहा है, ठीक है, therefore r equal to क्या हो जाएगा, a cross a, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, सब सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका मतलब सभी ऑर्डर पेयर इसमें चला जाएगा, यानी ये आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा, जब सब ये भी सब सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सब एलिमेंट इसमें चला जाएगा, यानी आर ए क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो जाएगा, देखिए आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, ठीक है, तो ये आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा, टोटल एलिमेंट चला गया तो आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, जब सब एलिमेंट चला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, जब एक भी एलिमेंट इसमें से नहीं है, ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट उसमें आर में नहीं है, तो वो एम्प्टी रिलेशन हो जाता है, सब जब सभी चला है तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन सिंपल है कि अगर ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है तो सबसे पहले ए क्रॉस ए लिखिए, जब ए क्रॉस ए लिख लीजिए, लिख लिए तो रिलेशन में जो दिया हुआ कंडीशन है उसमें से देखिए उस कंडीशन को ए क्रॉस ए का सभी ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सभी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अगर सब ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब क्या होगा कि वो आर जो है ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा, पूरा एलिमेंट ही आ जाएगा, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अगर ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि वो आर एम्प्टी रह जाएगा, वो खाली रह जाएगा, ठीक है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो एम्प्टी रिलेशन हो जाता है, तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, दोनों हम लोग समझ लिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखते हैं इन दोनों के बारे में, क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए 11th का रिपीट करते हुए हम पढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या है मेन, देखिए इसमें है, अब जैसे इसमें कुछ नोट, पहला
इम्पिटी रिलेशन जो है, इम्पिटी रिलेशन वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना है, नोट नंबर वन, ठीक है, नोटेड पॉइंट है, इम्पिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन इम्पिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, ठीक है। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इम्पिटी रिलेशन यानी कोई भी एलिमेंट नहीं आता तो इम्पिटी हो जाता, तो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन इसीलिए लार्जेस्ट रिलेशन हो जाता है क्योंकि सब ऑर्डर पेयर आ जाता है तो 12 हो जाता है। थर्ड, ठीक है, इम्पिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इम्पिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन टुगेदर आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। ठीक है, याद रखिए, क्या बोले हैं, इम्पिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, मतलब इम्पिटी रिलेशन जो होता है सबसे छोटा रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन, एंड यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है सबसे बड़ा रिलेशन होता है। इम्पिटी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन को साथ में कभी कभी क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा रिलेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हम लोग समझ लिए इम्पिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग समझना है इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में इतना हो गया, अब समझना है थर्ड रिलेशन। ठीक है, थर्ड नंबर रिलेशन है, इसको बोलते हैं, दो पढ़ लिए रिलेशन, थर्ड नंबर रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखिए इसमें सिंपल है, इट इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली, इट इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली। देखिए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेटे इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन if every element of set A is related to itself only, देखो क्या बोले, a relation defined on set A is called identity relation if every element of set A is related to itself only, मतलब set A में जितने भी element हो केवल अपने आप से related हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, identity relation। याद रखिएगा, set A में जितने भी element हो केवल अपने आप से related हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, identity relation। example देखिए, example simple, देखिए set A है, इसमें element है A B C, अगर सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी तो इस पर डिफाइंड रिलेशन, सपोज कीजिए आर वन एक रिलेशन है, सेट ए पर डिफाइंड है, तो इसमें इस आर वन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन तभी बोलेंगे जब इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी अपने आप से रिलेटेड हो, ए ए से रिलेटेड हो, बी बी से रिलेटेड हो और सी सी से रिलेटेड हो, इसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें एलिमेंट है सेट ए में ए बी सी, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी केवल अपने आप से रिलेटेड हो, मतलब ओनली अपने आप से रिलेटेड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ए से रिलेटेड है, बी बी से है, सी सी से है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा आर टू अगर एक रिलेशन है सेट ए पर ही डिफाइंड है, तो इसमें अगर ए ए हो
बी बी हो तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है, बिकॉज ए से रिलेटेड है ठीक है, बी बी से रिलेटेड है ठीक है, लेकिन सी सी से रिलेटेड नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। याद रखिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। अर्थ देखिए, अगर ए से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड हो गया, सी सी से रिलेटेड हो गया, और यहाँ ए बी से रिलेटेड हो गया, तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं चेक कीजिए, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बिकॉज देखिए इसमें क्या था, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है केवल अपने आप से रिलेटेड हो, दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका मीनिंग है कि ए से रिलेटेड होना चाहिए, बी बी से है, सी सी से है, बस इतना ही रहना चाहिए था, लेकिन ये दूसरा सभी रिलेटेड हो गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। आर फोर देखिए, अगर हम इसमें दे दिया, सी सी से रिलेटेड हो गया, बी बी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ए ए से रिलेटेड हो गया, तो भी आइडेंटिटी रिलेशन है, बिकॉज ए ए से रिलेटेड है, बी बी से है, सी सी से है, ए में जितने भी एलिमेंट है सभी अपने आप से रिलेटेड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। ये आर फोर और ये आर वन दोनों सेम ही है, ठीक है। आप लोग बताएं कि इसको पहले लिखे चाहे इसको बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आर फाइव कर देते हैं, अगर इसमें ए ए से रिलेटेड हो गया, बताइए क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए नहीं है कि ए ए से रिलेटेड है, तो बी बी से रिलेटेड कहाँ है इसमें, सी सी से रिलेटेड कहाँ है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन, यानी ये हम लोग समझ लिए क्या आइडेंटिटी रिलेशन, क्लियर है कि इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब सिटी में जितने भी एलिमेंट है वो सभी अपने आप से रिलेटेड होते हैं, सिटी में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी केवल अपने आप से रिलेटेड हो, तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन तक पढ़ लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर एक और इक्विवेलेंस रिलेशन, तब इनवर्स रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।